यस शादी कर ली। जय हाँ कर ली। श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र। ए मन की बात सुनाने का ये मौका मिला। थैंक यू जयसी, थैंक यू पिंकी एंड बिंदु बेन। मेरे 36 इयर्स अगो की ये बात है। एक बार मेरा हस्बैंड दिल्ली जा रहा था, तो मेरी बेटी ने बोला कि पापा आप दिल्ली जा रहे हैं तो मम्मी को भी साथ में ले लो। हम दिल्ली गए, पची मैंने बोला कि मैं ऋषिकेश में जो आश्रम है दिव्य जीवन संघ की, उसमें मेंबर हूँ, चलो ने हम वहां जाए। तो तुरंत फोन किया, तो दिव्य जीवन संघ में फोन किया तो वो बोला कि आ जाओ अपने फैमिली के साथ। तो मैं ऋषिकेश पहुंच गई, हम लोग ऋषिकेश पहुंच गए। ऋषिकेश 2 दिन रहे, हरिद्वार गए, सब दर्शन किए। एक घर से निकले तभी एक कुछ मालूम नहीं था कि मैं ऋषिकेश जाने वाली हूँ, मैं हरिद्वार जाने वाली हूँ, वहाँ पूजा करने वाली हूँ, वहाँ कौन मुझे मिलने वाला है, कुछ भी मुझे मालूम नहीं था। वो ऋषिकेश में गए, दूसरे दिन ऑफिस में मेरा हस्बैंड बैठा था तो स्वामी के साथ बात किया। तो स्वामी ने बोला, हमने बोला कि हम तो कल बॉम्बे जा रहे हैं। तो स्वामी ने बोला अरे रे ऋषिकेश सुधी आए और ऊपर तो बाबा बैठा है, आप ऋषिकेश से वापस कैसे जा सकते हैं, ऊपर दर्शन करके जाओ। तो मेरा मिस्टर बहुत घबरा रहा था, उसने बोला कि मेरे पास कोई तैयारी नहीं है, ऊपर तो बहुत ठंडी रहती है और रास्ता भी बराबर नहीं है, हम लोग तो जाने का मन तो नहीं है। अरे ऋषि, अरे स्वामी ने बोला कि क्यों घबराते हैं, मैं हूँ ने, मैं दूसरे स्वामी को आपके साथ भेज देता हूँ। तो तुरंत उसने दूसरा स्वामी के साथ हमने भेज दिया और गाड़ी का बंदोबस्त कर दिया। हम जा रहे थे वहां ऋषि केदारनाथ जाने के लिए गौरी कुंड रोकना पड़ता है, गौरी कुंड सुधी गाड़ी में जा सकते है, दूर दूर केदारनाथ नहीं जा सकते। तो हम गौरी कुंड जा रहे थे, इसने रास्ता में एक बिल्ली जा रही थी, तो बिल्ली को बचाने के लिए ड्राइवर ने इतना जोर में ब्रेक मारा कि नहीं पूछो बात, हमारी गाड़ी 4 फुट ऊपर ऊंचे उछली और गिर गई। तो वहां जमीन पर ही गिरी, एक बाजू खीर था और एक बाजू हिल था। तो पीछे गाड़ी रुकी, इतने सामने से गाड़ी आ रही थी, तो वो गाड़ी वाला ने बोला कि क्या हुआ। तो ये सब गाड़ी में से निकल कर आए और हमारी गाड़ी को बराबर देखा और बिल्ली को देखा, तो बिल्ली सामने ऐसे ऐसे इतनी अच्छी तरह से देखी थी। तो सबने बोला बिल्ली तो सही है और आप भी सही है। तो वो गाड़ी में कौन था आपको मालूम है? वो गाड़ी में शक्तिपीठ का शंकराचार्य था, तो उसका भी हमने दर्शन करने को मिला। और शंकराचार्य ने बोला कि आप जाइए, बहुत अच्छी तरह से बाबा का दर्शन होगा, केदारनाथ का दर्शन होगा और जाइए। तो हम लोग गए गौरी कुंड में ठहरे होटल में और सुबह में वो डोली वाला को बुलाया, डोली वाला 4 आ गया। सुबह में डोली में 4:30 बजे जाना पड़ता है, जहाँ तो सूर्यास्त बहुत जल्दी हो जाता है। तो हम डोली करके केदारनाथ गए, केदारनाथ का दर्शन किया, केदारनाथ की पूजा की, गाइड साथ में था। इतने में मेरी बेटी 7 साल की थी, वो बोलने का बंद कर दिया उसने। तो सबने बोला कि ऑक्सीजन नहीं मिलता है, उसको खाना खिलाओ, उसको खाना खिलाओ। तो हमने उसको खाना खिलाया, उसने खाना खिलाया तो वो वापस सूद में आ गई और हम केदारनाथ से निकले। और एक पिक केदारनाथ की हो तो दूसरी पिक मेरे स्पोर्ट्स नहीं किया मैंने अपने, एक एक साइड पर केदारनाथ था, एक पिक पर केदारनाथ था और दूसरी पिक पर बद्रीनाथ है। तो वे वो केदारनाथ है नीचे उतरे और बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ में स्वामी का किसी ने फोन किया था कि आप फैमिली आ रहे हैं, तो हमारे लिए इतनी अच्छी VIP सगवर किया था, इतनी अच्छी कि सामने से तो हमने से ने तो एवरेस्ट पीक दिखाई देता था। और मंदिर के बाजू में VIP ट्रीटमेंट का हमने बेडरूम भी लिया था और सुबह में पूजा करने के लिए सब सामान तैयार रखा था। हमने बद्रीनाथ की पूजा की और वहाँ जो पंडित होता है, जहाँ महाराज होता है, वो नबुद्धि ब्राह्मण होता है, अपने पंडित को तो पूजा नहीं करने देते हैं। वहाँ कुंड था, गर्म पानी का कुंड, उसमें हमने स्नान किया और वापस उसने हमने इतनी अच्छे से खाना खिलाया। वहाँ आलू की सब्जी मिलती है, दूसरी कुछ मिलती है, तो हमने सबको खाना खिलाया और वापस हमें बद्रीनाथ से निकलकर ऋषिकेश आ गए। तो ऐसे हमने स्वामी का दर्शन भी हुआ, वो शक्ति
का दर्शन हुआ, बिल्ली बच गई, हम लोग बच गए, ये सब मन की बात में कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया, आपके साथ शेयर करने का मौका मिला तो बहुत बहुत धन्यवाद इष्ट हूँ। कभी सबने बात किया कि भगवान हमको, भगवान को याद करते और भगवान बुलाते, पर मैंने भगवान को याद नहीं किया, भगवान ने अपने लोग को बुलाया और अच्छी तरह से हमारी यात्रा सफल थी। ये सबसे बड़ी माँ बड़ी यात्रा थी केदारनाथ, सबसे ऊंचे पीक है, 12,500 फीट के ऊंचाई, सब यात्रा का 4 स्थल है वो दरिया के लेवल पर है और ये केदारनाथ सबसे बड़ा है। तो जिंदगी में मुझे ऐसे कितनी बार हुआ है कि जो भगवान मुझे बुलाता है, मैं याद तो करती हूँ दिल से, पर भगवान के बुलाव आता है तो अपने दर्शन बहुत अच्छी तरह से लेता है। और सब वो गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ वो तो मेरी जिंदगी में मैं भूल ही नहीं सकती, आज मैं रोते भी नहीं। और जैसी में तो मेरा बहुत प्रोग्रेस हुआ, मैं तो एक शादी की हुई नहीं, अभी इतना होश आता है, इतना ही आता तो मेरा हस्बैंड भी बोलता है कि आप अपनी प्रवृत्ति चालू रखना और मन को खुश रखना। सबको मेरा धन्यवाद। थैंक यू भानु बहन, आपने बहुत ही अच्छा बोला। और बिंदु बहन के हिसाब से तो हम लोग ने सब यात्रा भी कर ली, केदारनाथ, कैलाशनाथ, और अभी श्रावण का महीना भी है तो हमारे जो जसू बाबा है उसके ऊपर हाउसी भी करा रहे। तो जो इम्पोर्टेंस ऑफ ये जो सब जगह की है, आप लोग बोलते हैं क्यों जाते हैं, घर में भी है भगवान, मन में भी है भगवान, तो क्यों उधर जाते हैं? इसी कारण जाते हैं क्योंकि भगवान जब तक नहीं बोलता, नहीं बुलाता, हम लोग जाते नहीं, कुछ भी हो जाए। मेरा भी ऐसे इंसिडेंट हुआ था जिसका कारण ये है, मेरी स्टोरी तो बाद में होगी, जब कोई नहीं होगा तब मैं बोलूंगी। बट भानु बहन आपने बहुत ही अच्छी बात की एंड बहुत ही अच्छी तरह से समझाया हम लोग कि भगवान इज देयर, आपने बुलाया नहीं तो भी वो ध्यान रहते हैं। तो हम, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब प्रार्थना करते ऐसे नहीं है कि भगवान नहीं ध्यान देते हैं, हम लोग नहीं बोलते तो भी वो हमारा ध्यान रखते हैं। तो हमेशा देयर इज समथिंग एंड हमेशा अच्छा कर्म करते जाओ। थैंक यू भानु बहन, आपने बहुत ही अच्छा बोला। अभी हमारे नेक्स्ट मेंबर है मित्रवर जी, वो माता जी के भक्त है, वो बहुत ही मतलब भक्त, मतलब मैं क्या मालूम, माता जी के चौकी भी रखते हैं और हमारे बीच पे भी बहुत उनका होता है, बहुत अच्छा ढोलक भी बजाते हैं, गाते भी बहुत अच्छा है, पर आज उनको गाना नहीं है, उनको बोलना है, तो प्लीज शैलेश मित्रवर ने स्पॉटलाइट कर जाए। थैंक यू बिंदु जी, ये शुरू करो। मैं मित्रवर, मैं अपने सभी मित्रों को जेएलसी में, मोदी जी, बिंदु बहन, पिंकी बहन और सागरिका जी, और सभी मेरे मित्रों को मेरा जय माता दी, जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण। मैं मेरे बचपन की बात सुनाऊंगा जो आज भी रेलेवेंट है। और वो ऐसा था कि मैं पहले, हम लोग किंग सर्कल में रहते थे और फिर हम लोग शिफ्ट हो गए बैंड्रा में। तो बैंड्रा में सामने कॉन्वेंट स्कूल था, तो मैं वो कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन के लिए गया, बिल्कुल सामने ही था, मतलब रोड क्रॉस करो तो सामने स्कूल। तो फिर मैं वहाँ गया मम्मी के, माता जी के साथ। तो वहाँ पादरी, पहली बार मैंने पादरी देखा, फादर वाइट कपड़े पहने हुए ऐसे एकदम लंबा चौड़ा और एकदम फॉरेनर था, एकदम लाल मुंह था, लाल टमाटर की तरह। पहले तो मैं देख के थोड़ा घबरा गया, फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, यस, और वो हर बात में डार्लिंग जरूर बोलता था, यस डार्लिंग, व्हाई हैव यू कम हियर, तो आई सेड फादर आई वांट एडमिशन, अच्छा व्हाई यू वांट एडमिशन इन माय स्कूल, आई सेड फादर आई यूज्ड टू गो टू किंग सर्कल टू माय स्कूल व्हिच इज इन सायन, ऑपोजिट सायन हॉस्पिटल, नेम ऑफ द स्कूल इज लिटिल एंजल्स स्कूल, and here I'm staying just opposite, so I would like to come here, and rainy season, so much of water, so all people are worried at home, so we go through that water, so that's why I want, that's tutti futti baat bolte the, wohi type mein abhi bata raha hun, so that's why I want admission here in this school. Okay, yes darling, what is your name? I said, my name is Shileshwar. I said, okay, you know the meaning of Shileshwar?
आई सेड नो फादर, मैं इमीडिएटली बोल दिया। जब मालूम नहीं था तो क्या सोच के बोलूं, हाँ नहीं मालूम, मैंने इमीडिएटली बोला नो फादर। ओ डोंट वरी डार्लिंग, आई विल टेल यू द मीनिंग। आई सेड हू, मैं देखा, बोला यस, मीनिंग ऑफ सिलेशन इज यू आर द लॉर्ड ऑफ द माउंटेंस। आई सेड ओके, दैट मीन्स यू आर शंकर भगवान, लॉर्ड ऑफ द माउंटेंस। आई सेड हैं, दैट आई नेवर न्यू, मेरे पेरेंट्स ने इतना बढ़िया नाम रखा हुआ है। तो मैं ताजुब खा गया कि मेरे को फॉरेनर मेरे को संस्कृत का शब्द का अर्थ बता रहा है, तो मैं बहुत ताजुब खा गया। उसके बाद मेरी आदत हो गई कि मैं जिसको भी मिलता वो बोलता हाँ बेटा तेरा नाम क्या है, बोला अशोक, तो मैं उसको पहले बोलता हाँ अशोक का मतलब मालूम है। मैं बोला कहीं फॉरेनर उसे पूछ ले, उससे पहले मैं इंडियन ही पूछ लूँ, ताकि उसको नाम फॉरेनर को नहीं बोलना पड़े। तब मेरी आदत ही बन गई। जैसे अभी मैं पिंकी को मिलूँ, पिंकी क्या नाम है, पिंकी तो नहीं बोलूंगा, आपका क्या नाम है, बोलेगी पिंकी, तो मतलब मालूम है, हाँ मालूम है, शी इज ऑलवेज पिंक, हर बात में पिंक पिंक पिंक, सबको पिंक करती है, पिंक ऑफ द हेल्थ ऐसे बोलते ना हम लोग। तो ऐसे ही हमारे बीच में बात हुई थी, चंचल, चंचल का नाम, वो अपने नाम पे खरे उतरती है, भाई चंचल है ना तो अपने नाम पे खरे। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम भगवान के 108 नाम रख देंगे, पर वो सब नाम में वो खरे उतरते हैं, हमारा जो एक नाम जो हमारे माता पिता ने रखा होता है, हम उस पे खरे बहुत जन नहीं उतरते, हमें वही नाम पे खरे उतर जाएंगे तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। जैसे चंचल है तो चंचल है तो अपने नाम पे खरे उतरिए, जैसे अभी हरीश, हरीश है तो हरीश मीन्स खुश रहना, तो अपने नाम पे खरे उतरे, इसके लिए वो सक्सेसफुल है। तो भगवान जो हमारे माता पिता ने जो नाम रखा है वो नाम पे हमको खरे उतरना चाहिए। जैसे अगर शिलेश्वर रखा था तो मैं शंकर भगवान तो नहीं बन सकता था, इसके लिए मैंने मित्रवर रख दिया, तो मैं मित्रवर सबका हो सकता हूँ, शंकर भगवान इतना ही हो सकता, उसको टाइम लगता है। तो इसके लिए जो नाम रखा जाए उसके ऊपर हम खरे उतरना चाहिए, और उसका नाम का मीनिंग भी मालूम होना चाहिए, तो उस नाम पे खरे उतरेंगे तो हम जरूर सक्सेसफुल होंगे, यही मेरा कहने का मतलब है। ये मेरे बचपन की बात है, 6th स्टैंडर्ड की बात है जी, आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे तो जिंदगी में बड़े मिरेकल्स हुए हैं, पर ये मेरी बचपन की बात थी, क्योंकि चंचल बहन की बात मेरे को याद थी, हम लोग वो बात कह रहे थे चंचल है, पर चंचल है ही, और अपने नाम पे खरे उतरते हैं, इसके लिए वो चंचल है और वो सक्सेसफुल है। चलो जी, और बिंदु बहन, बिंदु है ना, वो बिंदु जो है वो हर हर बंदे का बिंदु पकड़ लेती है, और वो बिंदु पकड़ के वो सिंधु कर देती है, उसको एकदम से एलाबरेट कर देती है, तो ये भी नाम पे बहुत खरे उतरते हैं जी। जय माता दी, बहुत उदाहरण है। अच्छा जी, जय हो, जय जी, अनम्यूट होके बोलो चंचल जी, अनम्यूट होके बोलो, आप पहले अनम्यूट हो जाओ फिर बोलो। हेलो हेलो बिंदु जी, मैं ये बोल रही हूँ कि ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ये माउंटेन के ऊपर बैठे हैं, माउंटेन के लॉर्ड हैं, और क्या चाहिए, ये आप तो आए हैं, और ये अपना को माउंटेन जो है इनको इतना बढ़िया भगवान माँ बाप ने नाम दिया है लॉर्ड ऑफ माउंटेन, इसे बढ़ के तभी तो वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड अपने को समझते हैं, और क्या, वेरी गुड, चंचल जी आप कुछ बोलना चाहेगी और अभी नहीं, फिर ओके 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 ओके, थैंक यू वेरी मच, मैं तो डर रही थी कि सब लोग को ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, आपका जो व्याख्यान था सबको खुश रखो, जिससे सब हो जाए, आप फ्रॉम ए टू जेड तक यू आर प्लीजिंग एवरीवन, थैंक यू वेरी मच पिंकी, पिंकी यू आर शैलेश्वर जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ही अच्छा बोला, और जो बोला बहुत ही मान्य की बात बोली कि हम लोग जो है हम लोग ज्यादातर खुद का नाम का मीनिंग भी मालूम नहीं है, और संस्कृत क्या, संस्कृत हिंदी पूरा भी आता नहीं है, हम लोग है हिंदुस्तानी पर हम लोग को खुद को हिंदी भी पूरा नहीं आता है। मैं खुद की बात बोलती हूँ ना, मैं बंगाल से हूँ तो बंगाली आता है, गुजराती भी नहीं आता था, इंग्लिश में खाली बोलते रहते थे, ये अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी छोड़ के चले गए, हम लोग ने ही अपना संस्कृति छोड़ दिया है, विच इज वेरी रॉन्ग। हम लोग को खुद अपना कल्चर पकड़ के रखना चाहिए। आज वो लोग हम लोग को मतलब कॉपी करते हैं सब चीज में,
આપી દે हमारे भारती बहन बहुत ही एक्टिव मेंबर है. वो शी इज अ योगा टीचर एंड शी इज ऑलवेज विलिंग सबको हेल्प करने के लिए. वो कहीं भी हो, अमेरिका हो कि इंडिया हो, सबको फोन करते रहते हैं, सबके टच में रहते हैं और योगा भी बहुत ही अच्छी तरह से कराते हैं. एंड उनको तो मालूम भी नहीं है और ये उनका ये क्या बोलते हैं हम लोग का सरप्राइज पैकेट है कि शी हैज कम. थैंक यू सो मच भारती बहन कि तमे आया छो. And you have come to speak. Thank you very much. Please speak. Bharti Ben, bolo. Hindi mein. Haan, Hindi mein. JLC family member, Bindu Ben, Pinky. Thank you, mere ko bolne ka chance mila. Maine to kuch tayari nahi kiya tha. Sabko sunke mere ko bhi ichha ho gai ke main bhi kuch bolun. To meri life mein bhi main Paunagar mein thi. 30 years ki mein thi. और मेरे को तीन बच्चे थे. तो हम लोग भावनगर से सीहोर गोमतीश्वर कुंड पिकनिक में गए थे. तो गोमतीश्वर कुंड साल में एक बार किसी का भोग लेता है. तो मैं तो कभी मेरे बच्चों को अकेले नहीं छोड़ती थी. लेकिन वह टाइम पे क्या हुआ मालूम नहीं मेरे को कि मेरे से मेरे बेटा 2 मिनट के लिए ही अलग हो गया और कुंड में डूब गया. और मैं जलाराम बापा की बहुत भक्त हूँ और मेरे को तो कुछ मालूम भी नहीं था कि मेरे बेटे आनंद उसका नाम है कि उसको ऐसा हुआ है. लेकिन वहां पे एक बहन थी कपोड़ संघवी करके, उसने पहनी हुई अपनी साड़ी निकाली और साड़ी अंदर डाली और साड़ी का एक छेड़ा अपने हाथ में रखा और मालूम नहीं मेरे बेटे के हाथ में कैसे दूसरा छेड़ा आ गया और थोड़ा कुंड में नजीक आया और वो बच गया. तो वो तो प्रसंग मैं कभी भी लाइफ में भूलती नहीं हूँ कि मेरा बेटा 7 साल का था, अभी तो 48 साल का हो गया है. लेकिन वो टाइम पे जलाराम बापा की कृपा देखो कि मेरी अपना कुल देवी के में भी हम लोग बहुत मानते हैं उसकी कृपा. लेकिन वो टाइम पे बच्चा मेरा बेटा बच गया और आज तो वो अमेरिका में है, वो डॉक्टर है खुद. और दूसरी खुशी की बात यह है कि मैंने कभी किसी में पार्ट नहीं लिया था. तो यह लॉकडाउन अपने लिए गुड लक है कि लास्ट ईयर से जो जसवंत भाई, बिंदु बेन, हरेश भाई जो एक्टिविटी कराते हैं, सब त्योहारों की वजह से जो जो त्योहार होता है, नवरात्रि तो नवरात्रि में कुछ भी डांस, नवरात्रि में रास गरबा, फिर वह चांद पूनम आती है तो चांद के लिए डांस वह बिंदु बेन ने कराया था. तो कभी हम लोग एक्टिविटी में ऐसे नहीं भाग लेते थे. तो वो सब लोगों ने इतना इंस्पिरेशन कराया कि हम लोग सब एक्टिविटी में भाग लेने लगे और कॉन्फिडेंस बढ़ा. और मैं तो खुश हुई, मेरे घर में भी सब बच्चे लोगों ने सपोर्ट दिया और सब लोग खुश हुए. वो टाइम पे भी मैं अमेरिका में थी तो अमेरिका से सब कॉम्पिटिशन में पापा सब एक्टिविटी में भाग ले रही थी. तो वह भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है. और आज देखो तो मेरा बेटा भी 48 साल का है, वो अच्छी तरह से उसकी लाइफ बन रही है. बस वही सबके खुशी की बात है. और जेएलसी ऐसा प्लेटफॉर्म है, सबको अपनी टैलेंट बाहर निकालता है और सबको चांस देते हैं. ऐसा नहीं कि ये इसको मिला चांस, इसको नहीं मिला, सबको अपने अपनी तरीके से चांस मिलता है. और आज तो मैंने कुछ भी तैयारी नहीं किया था, मैंने नाम भी नहीं लिखाया था. पिंकी थैंक यू वेरी मच, तूने मेरे को चांस दिया. और मैं दूसरी एक तीसरी एक खुशी की बात बताऊं, मैं 2011 में मैं 21 किलोमीटर में सीनियर सिटीजन में फर्स्ट आई थी मैराथन में. तो वह टाइम पे तो मेरे को मालूम भी नहीं था कि मैं फर्स्ट आऊंगी नहीं आऊंगी. मैं तो ऐसा ही मेरे को कॉन्फिडेंस है कि नहीं 21 किलोमीटर चलने का, इसलिए मैंने पार्ट लिया था. लेकिन
वर्ल्ड टाइम पे भी मैं सीनियर सिटीजन में फर्स्ट आई थी 2011 मैराथन में, वो भी मेरे को बहुत खुशी की बात है, आज भी वो मेरे को याद है। पिंकी थैंक यू वेरी मच, बिंदु बेन थैंक यू, और जेएलसी सब फैमिली को थैंक यू वेरी मच, मेरा सादर प्रणाम। आप तब फर्स्ट आए, हम आज कांग्रेचुलेशन करेंगे, हमको आज पता चला। थैंक यू वेरी मच, कांग्रेचुलेशन। अच्छा मैं एक बोलूंगी कि सोचिए कि मोदी की कहां कहां तक पहुंचे, वो तो जो हमारे है नरेंद्र मोदी, पर ये हमारे हरीश मोदी भी कुछ कम नहीं है। अमेरिका से भी देखिए, लोग सामने से आके कि नहीं मुझे बोलना है, मुझे बोलना है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड आई डोंट नो अभी टाइम छे बिंदु के, अरे पौने 6:35 થઈ ગઈ છે, હવે 5-10 મિનિટ ખાલી બધાને ખોલી દઈએ। ઓકે ઓકે, એટલે તો પછી બધાને વાત કરવા, એટલે તો નામ છે નહીં ને, વધારે નામ છે ને, ના એક બે છે, પણ એ તો કઈ નહીં, નેક્સ્ટ ટાઈમ વી વિલ ડુ। કેટલા જણા છે? અચ્છા પહેલા કેટલા જણા છે બોલ, પછી અરે લિસ્ટ માં કેટલા જણા છે? હજી 2-3 છે પણ આવ્યા છે કે નહીં આઈ ડોન્ટ નો, પદ્મિની છે, પદ્મિની તો બોલ ને, પછી પૂરું કરી દઈએ 2-3 માટે કરીને, બાકી તો છે પદ્મિની છે, નહીં રહેવા દે, પછી વી વિલ ડુ ઇટ લેટર। અરે પદ્મિની નથી, બીજું કોણ છે? બે માટે ન રખાય બાકી પિંકી। અરે તું રહેવા દે, હું તને કહું છું ને, તો બે જણ માટે ન રખાય, નામ બોલ, નામ તો બોલ, નથી। नेक्स्ट टाइम के लिए मैं फिर से बोलती हूँ दैट वी विल कंटिन्यू दिस प्रोग्राम। मैं आई डोंट नो सबको अच्छा लगा नहीं लगा, आप प्लीज फीडबैक करिए मुझे। और मेरे कहने का मतलब खाली यही है कि जो जो नहीं बोलते हैं प्लीज आके अपनी दिल की बात बोलिए, क्योंकि यहाँ तो कोई रोक टोक नहीं, भाषा का भी चलता है, थोड़ा आता है नहीं आता, क्योंकि मेरी खुद की भाषा ऐसी है, तो आप लोग अपना दिल खोल के बात करिए, और समथिंग फनी भी हो अपनी जिंदगी में तो भी बोल सकते हैं, तो थोड़ा कुछ हंस भी लेते हैं हम लोग, तो उसी तरह कुछ ना कुछ बोलते रहिए, बट आगे आइए, इतना अपने में हिम्मत रखिए। एंड कैसे मैं देखिए मेरा हाथ का ये हुआ तो भी बहुत सारी पास मेरे मिरेकल्स है, पर मैं अपना बात नहीं करूंगी। और मैं तो चाहती हूँ कि प्लीज प्लीज आप लोग को, आप फॉरवर्ड आइए, इसका पार्ट 2, पार्ट 3 हम लोग जितना हो सके करेंगे, बट प्लीज ये प्रोग्राम क्या है कि हम लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सके, अपनी मन की बात बोल सके। पर एक चीज है कि अच्छे कर्म करो तो उसका अच्छा ही नतीजा होता है, और भगवान जैसी कुछ चीज है। और अभी बिंदु जी थैंक यू वेरी मच, मैं सबको अनम्यूट करूंगी, और किसी को कुछ भी बोलना हो बोलो। चंचल जी हैंड रेज किया है, बोलो। मैं बोल रही हूँ कि आज जो सब कुछ हो रहा है, जब से लॉकडाउन का हो रहा है, सब जेएलसी का प्रताप है, और आप सब ऑर्गेनाइजर का प्रताप है। थैंक यू वेरी मच जेएलसी, जेएलसी और बिंदु जी और सब पिंकी एंड ऑल ऑफ देम, वेरी गुड। So God bless you all. That is my only wishes and blessing to you. Thank you very much. JLC जिंदाबाद। आपने से अगर कोई बोलना चाहते हो बाद में भी, तो नाम रजिस्टर करा लेना पिंकी के पास, तो दिन बाद में वापस प्रोग्राम करेंगे। और कल फोन करिएगा, क्योंकि है ना जो व्हाट्सएप कॉल करते हो कि व्हाट्सएप में मैसेज लिखते हो ना, तो कभी चूक जाता है, तो प्लीज फोन करके मुझे बोलिए, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, और मेरी रिक्वेस्ट फिर से है कि आप लोग प्लीज आगे आइए, प्लीज आगे आइए। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ रॉन्ग बोला तो भी चलता है कहीं भी, बट जस्ट फील फ्री, थोड़ा बिंदास हो जाइए, जिंदगी जिए, मजा लीजिए। एंड प्लीज अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप लोग फिर आगे आइए, और जिसको भी कुछ अभी भी कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। यस ज्योति, ज्योति आई एम ऑन द वे, ऑन द वे है, लोनावाला से मुंबई जा रही हूँ, पूरा गाड़ी में आपका प्रोग्राम देखा, क्वालिटी प्रोग्राम, हर एक पार्टिसिपेट जेएलसी के हर एक मेंबर को पार्ट लेना चाहिए प्रोग्राम, और 1 वीक चलना चाहिए पूरा प्रोग्राम अपना। पिंकी और बिंदु जी दोनों बहुत अच्छी तरह से, बहुत बिंदु जी सैल्यूट, अभी मैं कल की बात कर रही हूँ, कल के प्रोग्राम के लिए, कल शाम हम सब फिर से, जो सोमवार है, कल श्रावण महीना है, सोमवार है, शिव जी के भजन लेके हम अपनी टीम आएंगे, अपनी टीम, तो आप सब नाम लिखा दो, मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो कि आप में से कौन क्या भजन गाने वाले हैं,
और किस प्रकार से अगर कोई डांस करना चाहो अपने घर में ही भजन शुरू करके, आज सुबह बहुत अच्छे से सबने नटराज का डांस किया, आपको नहीं पता लेकिन शैलेश्वर जी एक पैर पे खड़े होके डांस कर रहे थे आज, एक पैर पे खड़े हो। कल के जो लास्ट जो था उसमें भरत भाई एक पैर पे खड़े होके नटराज का डांस कर रहे थे। ये बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग ये सब भूल जाते हैं और जब भजन की बात आ जाए, भक्ति की बात आ जाए, बिल्कुल ओतप्रोत हो जाते हैं। तो कल वापस शाम को 5:30 बजे का टाइम है, आप लोग भी भजन लेके रेडी हो जाओ। अनिल जी, अनिल कक्कड़ साहेब, आप एक शिव जी के ऊपर भजन अच्छा लेकर आओ कल, ठीक है? एक अच्छा सा भजन लेकर आप आओ। मंजुला जी, मंजुला महेश्वरी जी, आज आपने स्तुति बोली थी सुबह शिव जी की, तो आप भी एक भजन लेकर आ जाओ कल, बहुत अच्छा सा एक भजन लेकर आ जाओ। और बाकी हमारे जो मेंबर हैं उनको तो लेके आना ही आना है, तो फिर कल हम मिल रहे हैं शाम को 5:30 बजे। अभी मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, आप बातें करिए। मजा आवी गई, जलसो बनी गयो, जलसो मजा ना अनुभव सामने सबका एक्सपीरियंस सुनने की बहुत मजा आई, महसूस हुआ सबके जिंदगी में कोई ना कोई चमत्कार तो हुआ ही है, सबके जिंदगी में हुआ। बहुत अच्छा कि आप सब हमारे साथ ऐसे एंजॉय कर रहे हो, उसके लिए भी बहुत खुशी की बात। ज्योति बाविसी का संकेश्वर का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बढ़िया था। सब अनम्यूट हो जाओ। ज्योति बाविसी तमारो संकेश्वर का अनुभव खूब अच्छा रहा था। विजय दूसरों जन प्लीज, जो जो नहीं आए हैं आज प्लीज मेरे को नेक्स्ट पार्ट टू के लिए नाम लिखा दीजिएगा, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। प्लीज आपको पिंकी, हाँ पिंकी, थैंक यू वेरी मच। ते आज एक मोटो चमत्कार है, ये सबसे बड़ा कि आज सबको आपने चांस दिया, सब हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा चमत्कार है कि हम जेएलसी के मेंबर है और ये हमें कुछ बोलने का चांस पिंकी थ्रू मिला। ऐसे तो बोलते ही रहते हैं लेकिन अपने बारे में कुछ बोलना आज पहली बार मिला। थैंक यू वेरी मच। बिंदु जी थैंक यू, तो सपोर्ट हमेशा होता ही है। सब लोग बोलते हैं ना मैं हटके हूँ, तो मैं हटके ही हूँ, सब कुछ यूनिक करना जानती हूँ। दबंग दबंग डर गई पिंकी, दबंग हेलो। हाँ जी बोलिए जी, मोदी जी बोलते हैं पिंकी। आ बता रहा सांभी सांभी मैंने पर एकदम मन थी गयो करवा के बात को दबदबा। नाम लखा दे हर्षा, नाम लखा दे नेक्स्ट नाम मारू लखी नाखो, पर मारी पासे मारी जिंदगी ने बड़ी सैड सैड बात छे। कई बात नहीं, ये बात ये पण शेयर करवानी है। सैड बात तो नहीं जो बिंदुबेन मारी लाइफ पर नहीं, कोई भी देखिए देखिए मैम हर्षा जी मैं एक बात कहूंगी, कोई चमत्कार बताओ मेरी एक बात ध्यान से सुनो सर, मेरी एक ध्यान से सुनो, कोई भी बात हो सैड की बात हो या कुछ भी हो, शेयर करने से वो भी खत्म हो जाएगी। आप अपने अंदर से आप अपने अंदर के खालीपन को खाली कर दोगे, जो आपने भर के रखा है ना उसको सबके सामने खाली करो। आप लोग की बात सुनके सुनके रोना आ रहा है। बिल्कुल नहीं, रोना भी है ना, बात नहीं कर सकते इधर कर सकते हो पिंकी, रोना भी है ना, रोने के लिए भी हम सबके कंधे हैं। अगर आप रोना भी चाहो सबके कंधे हैं। जो चाहो दी खोल के बोलिएगा, प्लीज फॉरवर्ड पर मुझे व्हाट्सएप मत करिए, मुझे फोन करिएगा। इसका पार्ट टू भी होगा तो नाम लिखवा लीजिएगा प्लीज। थैंक यू वेरी मच। लक्ष्मण जी बैग नहीं देखना है हम लोग को। हाँ थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया, थैंक यू।
लक्ष्मण जी कभी नाच रहे नहीं थे और अभी तो नाचे ही है हमेशा। लक्ष्मण जी ज्यादा खड़े रहते नहीं, नाचते रहते। अरे बाबा कार में नाचो विजय भाई, हाँ कार में नाचो, नाचते हुए कार विजय भाई यानी ज्योति बनने भेजो। कार हिल जाएगी। चेंजिंग नंबर मुझे आप लोगों को देखकर कुछ कहना है। हाँ बोलिए बोलिए। वो एक पावर की तरह होते हैं, परंतु आज हमारी ये दुनिया की तरह है, हम जितना भी नॉलेज प्राप्त कर ले उतना कम है, बस इतना ही कहना है। आपको अभी अगले अगले सेशन में आप भी कुछ बोलिएगा मंजुला जी। अभी सबसे परमिशन ले रही हूँ, आईडी बंद कर रही हूँ। टाटा बाय। थैंक यू बिंदु बहन, बाय बाय। थैंक यू, कल मिलेंगे, कल सुबह मिलेंगे सब। कार्य जी अस्ते रहो।